लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवि किशन के नामांकन दाखिला में काफी संख्या में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस दौरान सूर्य प्रताप शाही ने दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर बैठक का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने सूर्य प्रताप शाही का माल्यार्पण कर स्वागत किया। बैठक में मौजूद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 23 अप्रैल को सदर लोकसभा सीट से घोषित प्रत्याशी रवि किशन के नामांकन दाखिला में काफी संख्या में भीड़ जुटाने, समय से महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज प्रांगण में कार्यक्रम में उपस्थित होने की अपील की गई। इस दौरान बैठक में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला, गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व महापौर सत्या पांडे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा, पार्टी नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ सभी लोगों से। आगे चलकर नई तालिका का स्वागत करें। ग्रामीण के विधायक आदरणीय विपिन सिंह जी, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, विधायक माननीय जी राम जी और मौर्य जी, गोरखपुर महापौर सीताराम जायसवाल जी, गोरखपुर क्षेत्र के उपाध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के आज के इस अति महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कृषि मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी का मैं आज महानगर की बैठक में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का, महापौर सीताराम जायसवाल जी का, पूर्व राष्ट्रीय सचिव 2019 लोकसभा चुनाव का महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व प्रारंभ हो गया। 19 मई को अपने यहाँ चुनाव है, इस निमित्त भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत पहले से ही चलती आ रही है। आज चूँकि कल प्रत्याशी का नामांकन भी है, एमपी इंटर कॉलेज में प्रातः 10 बजे सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करके सामान्य जनता को भी हम लोग आह्वान करने के लिए बुलाए हैं। आज की हमारी ये बैठक अपनी जो हमारी तैयारियाँ हैं उसे अंतिम रूप देने के लिए, बूथ तक हमारी पूरी संरचना, हमारी पूरी समिति खड़ी है, उनको मोबिलाइजेशन कराने के लिए और जनसंपर्क की पूरी योजना
ठीक प्रकार से यद्यपि प्रत्याशी के साथ सभी जनसंपर्क और हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी निचले स्तर पर हमारे मोर्चे के हमारे प्रकोष्ठों के सभी कार्यकर्ता दिन रात एक करके और जनसंपर्क योजना बना करके जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का उद्देश्य और लक्ष्य एक है कि मत प्रतिशत को बढ़ाया जाए और योजनाओं को लेकर हमें विपक्ष पर कोई हमला नहीं करनी है। हमें सिर्फ अपनी योजनाओं को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को ले जाकर के नीचे तक जनता को बताना है और ये बताना है कि गोरखपुर में जितना विकास हुआ है आज गोरखपुर 20 वर्ष आगे हो चुका है। यह आम जन भी इस बात को स्वीकार करता है और जितना गोरखपुर में विकास हुआ है इन योजनाओं को लेकर और प्रदेश और केंद्र सरकार के कार्यक्रमों को लेकर के हम जाएंगे और जनता से अपील करेंगे कि अपनी मतदाता जो आपकी आपका मत आपका अधिकार है आप अपने अधिकार का प्रयोग करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना वोट डालें और श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को पुनः देश की बागडोर सौंपने का काम करें।